नमस्कार, अली टाइम के लाइव अपडेट में आप सबका स्वागत है। राजन वैद, इस वक्त का सबसे अहम अपडेट ये है कि कोविड 19 के केसेस में इजाफा जो हुआ है पिछले दिनों में, कल जो है सबसे ज़्यादा केस आए थे, उसके बाद एहतियातन बहुत ही कड़े जो है अब डिसीजन लिए गए हैं, जिसके तहत जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट होती है वीकेंड पे, उस पे जो है रोक लगा दी गई है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक लॉकडाउन, जो वीकली लॉकडाउन है, वो जम्मू कश्मीर में घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूँ कि अब जो नॉन एसेंशियल जो मूवमेंट लोग करते थे, लोग सैलानी कहीं जाते थे वीकेंड्स पे छुट्टी मनाने अपने फैमिली के साथ, अब वो नहीं जा पाएंगे। केवल जो एसेंशियल मूवमेंट्स होती हैं, जो एसेंशियल जो लोग विभागों में काम करते हैं, जैसे पानी का विभाग है, बिजली का विभाग है, उनको, और जो इम्पोर्टेंट जो काम के लिए जो है बहुत ही इमरजेंसी का काम हो जिन लोगों को, वही जो है वीकेंड पे निकल पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ कई अन्य जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं, जिसके तहत आपको याद होगा कि पटनी टॉप में 4 बजे के बाद किसी भी सैलानी को रुकने की मनाही थी, बशर्ते उसके पास जो है वहाँ का होटल का जो नाइट स्टे का जो है बुकिंग टिकट होता। लेकिन अब जो है ये जो इंदु कंवल चिप हैं डीसी उधमपुर, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वीकेंड पे सैलानी वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, और वीकेंड के अलावा अगर वो जाते हैं तो पहले वाली पाबंदियाँ ही वहाँ पे लगी हुई हैं, जिसके तहत उनको 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट भी दिखानी है, वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाना है, उसके साथ उनके पास जो होटल की बुकिंग है वो भी, उनके पास वाउचर उसका होना चाहिए। और ऐसे में जब जबकि कोविड 19 के जो केसेस हैं वो एक के बाद एक हमने देखा है कि प्रतिदिन उसमें इजाफा देखने को मिला है, इसने चिंताएं जो हैं वो ज़्यादा कर दी हैं प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो ये वेरिएंट है ये म्यूटेट करता है, यानी कि ये अपना जो रूप है वो बदल सकता है, जो काफ़ी घातक हो सकता है लोगों के लिए। तो ऐसे में हालांकि जो होम क्वारंटाइन के लिए जो है प्रशासन ज़्यादातर जो पेशेंट है उनको ये सलाह देता है, लेकिन अगर ये म्यूचुएट करता है वेरिएंट तो काफ़ी घातक हो सकता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हालांकि 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये जो वेरिएंट है ये म्यूचुएट कर सकता है, बदल सकता है, जो घातक हो सकता है। तो जिसको देखते हुए अब ये बात हो चुकी है लॉकडाउन की, आप समझ सकते हैं कि जब पहले भी फर्स्ट सेकंड वेव आई थी तो प्रशासन ने आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन लगाया था, तो ये आप शुरुआत ही समझ सकते हैं कि वीकली लॉकडाउन लगभग जो है अब वो लग चुका है आम लोगों के लिए। और अगर लोग SOPs का पालन नहीं करते हैं और केस इसी तरह से ज़्यादा आते हैं आने वाले दिनों में, तो आप ये सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन लगना लगभग निश्चित हो चुका है जम्मू कश्मीर में। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट में बस इतना ही, देखते रहिए अली टाइम न्यूज़।